हे गाइस, गुड मॉर्निंग सेमनिया, कैसे हो आप लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं देवभूमि की इन खूबसूरत पहाड़ की वादियों से। सभी सुबह के 9 बजे रहे और हम लोगों ने नाश्ता कर दिया और कल रात हम 12 बजे तक बैठे हुए थे यहाँ, तो 8:30 बजे लगभग लेट चले गए थे, तो उसके बाद लेट आई नहीं, अभी तक लेट आई नहीं अभी। तो मोबाइल भी लो होने वाला है बैटरी, तो भैया का पावर बैंक जा रहा था यहाँ, तो उससे अभी थोड़ा चार्ज किया। अभी हम लोग अग्ञाभर में जा रहे हैं सप्ताह में, तो जाने लगे हैं कणकू और आलू, थोड़ा दाल फिलहाल अग्ञाभर में कणकू है, उधर जो राजमा और घी आलू। तो अभी हम लोगों को चोपता में जाना है। अभी हम लोग चोपता में पहुंच चुके और यहाँ क्या भर रहे, चलो आपको दिखाता हूँ। दो है भाई, तो गाइस ये घी और इधर प्रसाद में ये रख के जौ जो हवन में यूज होंगे, और इधर फावर का आटा रखा जिसे हमारे पास में कणको बोलते हैं, और ये सियोर से भर रहे इससे, ये छोटा सा रखा यहाँ पे, और ये है तिल, और इधर आलू रख के ये 3 कट्टे यहाँ पे। तो दोस्तों ये धर्मुनि, और यहाँ पर 9 दिन और 9 रात तक हवन होगा। पहले जो ये पत्थर रखे गए और ऊपर से चौन रखा, तो उसे हटाएंगे पहले, और उसके बाद यहाँ पर हवन शुरू होगा परसों 3 तारीख से। और गाँव में जो हवन हो रहा है वो 29-30 साल बाद हो रहा है, तो आज से उसकी तैयारी शुरू हो गई है। तैयारी तो पहले से शुरू हो गई थी, परंतु आज अज्ञा उगाना और कल से पूजा शुरू हो जाएगी। तो चलो दिखाता हूँ आप लोगों को, होने लग गई है हवन। और यहाँ पर सभी लोग माई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। Thank you.
गया और यहाँ सनसेट तो हो गया, तो अब ठंड होने लगी, तो मैं भी चौकता से घर आ गया हूँ। तो अभी जैकेट लगा दिया, टोपी लगा दिया, तभी थोड़ा चाय चुकी दूँगा, उसके बाद फिर चलूँगा चौकता में। तो वहाँ अभी पेंट हो रहा है, आधा से थोड़ा ज़्यादा हो गया। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, सब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर कल नए व्लॉग मिलेंगे।